नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। वो अपने पिछले जो उन पर दायित्व रहे हैं उन दायित्वों में अपने कार्यकाल में कुछ क्रिएटिव कामों के लिए जाने जाते हैं। जैसे जेल में जब वो जेल मंत्री रहे तो उन्होंने बहुत सारे सुधार के काम किए, जेलों को MSME से जोड़ा, वहाँ के कैदियों को जोड़ा और बहुत सारे काम पॉजिटिव कराए। यही संभावना, यही उम्मीद उनसे आज पूरा प्रदेश नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड को लेकर भी कर रहा है। आइए कुछ चर्चा करते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली लाइव में। धन्यवाद है आपका। जी, जैसे जेल में आपने बहुत सारे अच्छे काम किए पिछले कार्यकाल में, अब आपके पास नए दायित्व हैं, नागरिक सुरक्षा का दायित्व है तो और होमगार्ड्स का दायित्व है, तो होमगार्ड के लिए सरकार ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया, जैसे उनकी पेंशन खाता खोलने के बाद में उनको बीमा कराया और बैंकों से बात करके जो व्यवस्था आपने की, क्या ऐसी कोई योजना सिविल डिफेंस के लिए भी है? निश्चित रूप से, जब लोकसभा चुनाव से पहले सिविल डिफेंस में हमें मिला था जी, उसके बाद आचार संहिता लग गई, कहीं जाना आना नहीं, अब हमने निकलना शुरू किया है। और कल मैंने बैठक सिविल डिफेंस और होमगार्ड की मुरादाबाद में बैठक ली, आज मैंने बरेली में, और दोनों की विभागों की बैठक ली है जी। इस तरह से अब कार्यक्रम शुरू करेंगे। और देखिए, विभाग को कैसे आगे ले जाएं, विभाग में विभाग की पहचान समाज में कैसे बढ़े, विभाग के प्रति लोगों का देखने का सोच कैसे अच्छी हो, कैसे लोग विभाग को एक अच्छा विभाग समझें, इस पे हम पूरा फोकस करके इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। जैसे एक सबसे बड़ी बात है कि दोनों विभागों की बैठक आज मैंने ली है, कल भी ली है, तो सबसे बड़ी बात है कि होमगार्ड विभाग से मेरा निर्देश हमने दिया है कि हम ड्यूटी तो करते ही हैं, साथ साथ मानव सेवा भी अपने दिमाग में हम लेकर चलें। ऐसे ही नागरिक सुरक्षा वालों से भी कहा है हमने कि मानव सेवा आप करते हैं, सेवा का भाव तो मन में आपके में है ही, तो आप कहें, लेकिन साथ साथ हम पर्यावरण की आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को सही रूप से जनता उसको पर्यावरण को समझे और पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय को लेकर भी मैं दोनों विभागों को निर्देशित किया है। दूसरा कि जल का संरक्षण कैसे हो, पानी वेस्ट ना हो, ये हम अपने दोनों विभागों से हमने कहा है कि कैसे आप जो है इसका जागरूकता का अभियान समाज में कैसे इसकी जागरूकता आए, ये अभियान हम चला सकते हैं अपने ज़िले में। विशेष जोर हमारा यही है कि जल संरक्षण हो, संवर्धन हो, जल का और प्रकृति का भी संरक्षण संवर्धन हो। देखा भी, ऑक्सीजन को लेकर के देखा, जल को लेकर के देखा। सर, सवाल यह है कि जो हम, मैं सिविल डिफेंस की बात कर रहा हूँ, तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने भी बहुत तेज़ी से बहुत सेवा उन्होंने की, तो लेकिन क्या सरकार की तरफ से उनके पास या जो आदेश होते हैं विभाग के, तो वो अक्सर मौखिक होते हैं, यहाँ ड्यूटी करनी है, वहाँ ड्यूटी करनी है, और किसी भी कैजुअल्टी की स्थिति में, भगवान ना करे कोई हो, लेकिन अभी तक नहीं हुई, लेकिन अगर होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं बनता कि जिम्मेदारी ली जाए, तो उस पर उस दिशा में कोई प्रावधान या उनके बीमे के लिए कोई प्रावधान हम लोग करने जा रहे हैं क्या? अभी तो हम जो है समझ रहे हैं, विभाग को समझ लिया है जी, बहुत कुछ और क्या कर सकते हैं। ये मैंने बैठकें शुरू की हैं पूरे 15 जिले में है अभी, और कोशिश है हमारी कि अन्य जिलों में भी इसको ले जाया जाए। सबसे पहले तो हम इसको और विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें समझ में आएगी उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विस्तार माने जैसे गांवों में लेके जाना है? नहीं, और अन्य जिलों में, 15 अन्य जिलों में भी हमारी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा भी की है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हमें पूरी डिटेल बना करके आप मुझे दिखाइए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक और है मेरा, व्यक्ति अगर जहाँ ईश्वर में आस्था रखता है तो तनाव से भी मुक्त रहता है, ये मेरा अपना मानना है, और मेरा उनका प्रैक्टिकल भी है। ईश्वर में भरोसा रखता है व्यक्ति और अपने कर्म में भरोसा रखता है तो निश्चित रूप से तनाव से मुक्त रहता ही है। तो कर्म में विश्वास करना चाहिए और ईश्वर में भी भरोसा रखना चाहिए। धन्यवाद। ये आप थे हमारे साथ मंत्री जी, और
ईश्वर में भरोसा रखिए, अपने कर्म में भरोसा रखिए, तनाव मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए बरेली लाइव। Thank you.